उमर क्या हुआ, थी इमरजेंसी में बुलाया मुझे? उमर मंसूर भाई, मुझे तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। वो तमाम सवाल जो आपने मेरे दिल में जगाए थे, मुझे पता लग गया है। क्या पता चल गया? यही कि मैं रोशनी की मोहब्बत में नहीं, मैं तो अपने वादों की डोर में बंधा हूं। मुझे से दूर जाने का डर नहीं है। मुझे बेवफा हर जाई होने के इल्जाम से डर लगता है। मुझे उसके साथ रहने की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मुझे तो उसका एहसास है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे वादा किया है और अगर मैं उसे दूर चला गया तो अपनी जान दे देगी। मैं उसे मोहब्बत नहीं करता, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो एक बोझ है जो मेरी सांसें रोक लेता है। किससे मोहब्बत है तुम्हें? ये जवाब ढूंढो। जवाब तो मेरे सामने है, मैं खुद ही नजरें चुराता रहा, बल्कि मुझे शर्म आती थी। एक लड़की से मोहब्बत का दावा किया, उसे अपने इंतजार में बैठाया और फिर मोहब्बत किसी और से करने लगा। लेकिन मंसूर भाई, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इस बोझ को उतार के फेंक देना चाहता हूं। और मुझे इसी पल का इंतजार था। जाओ जाके बता दो माहीन को कि तुम शराब और मोहब्बत का फर्क जान गए हो। माहीन को कैसे बता सकता हूं? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? उसको सब पता है मेरे और रोशनी के बारे में, मेरी दीवानगी का पता है। वो सोचेगी जो बातें मैं रोशनी से करता था वही बातें आके उससे कर रहा हूँ। वो कैसे यकीन करेगी मेरा? यार उमर, तुमने पहले ही सगर मगर के चक्कर में बहुत देर लगा दी है। फजूल के बेकार के वसवसे जो है ना, उसमें तुम ये वक्त जाया मत करो। जाके कह दो उसे। कह दो? हाँ, अभी और इसी वक्त। रोशनी, उसे जब वाज़े हो गया है कि तुम्हें किससे मोहब्बत है, तो ये भी अभी तय कर लो कि तुम्हें परवाह किसकी है। जिसके बारे में ये फैसला ले लेना, सोच जरूर लेना कि जिसकी तुम परवाह कर रहे हो, क्या वो इस काबिल है? रोशनी इस काबिल नहीं है, वो नहीं है इस काबिल। मैं ये बात मानता हूं, उसका जज्बा सच्चा है, वो मुझसे मोहब्बत करती होगी। लेकिन जिन लोगों को मैं चाहता हूं, जो मुझसे वाबस्ता है, अगर वो उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती, तो मैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। तो फिर जाओ अभी और इसी वक्त माहीन के पास जाओ और बताओ उसे, अपने अंदर का डर और खौफ निकाल दो।